नमस्कार दोस्तों, ये भूगोल का लेक्चर चल रहा है और भूगोल के लेक्चर्स में ये कंटिन्यू चलता रहेगा पीसीएस 2021 के लिए, आरओआरओ 2021 के लिए। अभी तक हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं और तीसरा लेक्चर्स है, ये जो होगा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास होगा, तो मतलब पृथ्वी पर जीवों से धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, इस तरह के फिगर्स पढ़ते होंगे ज्योग्राफी जब पढ़ने बैठते होंगे, तो यहाँ पे निफे लिखा रहता है, सीमा रहता है और सियाल रहता है, ठीक है, मतलब निकिल रहता है, आयरन रहता है, फिर सिलिकॉन, मैग्नीज, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो ये लिखा रहता है, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि ये सारी चीज़ें आई कैसी, इसके बाद धीरे धीरे मानव कैसे है, जीव कैसे है। जैसे इसका लॉजिक ये है कि जब हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं तो सबको पता होगा कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण रेडियो धर्मी तत्वों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर किया गया है। जैसे किया क्या वैज्ञानिकों ने, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं पहले की चीज़ें। वैज्ञानिकों ने दो काम किया था, एक तो पहला उन्होंने क्या कहते हैं सबसे पुरानी चट्टानों का एक टुकड़ा लिया था, ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानों के एक टुकड़ा लिया था, उसका सैंपल लिया था, जिसका निर्धारण करने के बाद पता चला कि क्या कहते हैं पृथ्वी की आयु 3.9 बिलियन ईयर है। देखना, वैज्ञानिकों ने पहला काम क्या किया, ओल्डेस्ट रॉक ऑफ अर्थ लिया, अर्थ का, ठीक है। पहला काम वैज्ञानिकों ने यह किया कि पृथ्वी पर सबसे पुराने चट्टान का टुकड़ा लिया, जिससे पता चला कि पृथ्वी की आयु 3.9 बिलियन ईयर है। और दूसरा काम क्या किया, दूसरा इन्होंने सैंपल ऑफ रॉक लिया, किसका, मून का, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिया सैंपल ऑफ रॉक, ठीक है, किसका, मून का। तो इससे जानकारी मिली कि पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन ईयर है, ध्यान देना 4.6 बिलियन ईयर है, ठीक है। तो ये दो अध्ययन हमारे सामने आए। अब दोनों अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर जानकारी हमें क्या मिली, इससे दो तथ्य सामने आए। इसका निष्कर्ष यह निकला कि सौर मंडल का निर्माण हो चुका था, कब, 4.6 बिलियन ईयर को लिया गया, कि 4.6 बिलियन ईयर पहले सौर मंडल का निर्माण हो चुका था, परंतु उत्पत्ति के उपरांत क्या हुआ था कि पृथ्वी पहले क्या थी, तरल अवस्था में थी, गर्म थी, तरल अवस्था में थी। जब पृथ्वी गर्म होगी, इतना बड़ा आग का गोला ये पृथ्वी है, अगर ये गर्म होगी, तरल अवस्था में होगी, तो क्या होगा, जो भारी तत्व होंगे कहाँ चले जाएंगे, गर्भ में चले जाएंगे। तो हुआ क्या, ये सबसे भारी तत्व है जो पृथ्वी के मध्य भाग में पाया जाता है, ये पृथ्वी के गर्भ में चला गया। जो इससे हल्के तत्व थे वो ऊपर आ गए थोड़ा सा, और जो एकदम हल्के तत्व थे जैसे एल्युमिनियम वगैरह, सिलिकॉन वगैरह चीज़ें, ये सबसे ऊपर आ गए, और सबसे नीचे क्या चला गया, निकिल चला गया, आयरन चला गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ से इसका इजाद हुआ, इसी से इसको माना जाता है। आगे ज्योग्राफी में जब भूकंप पढ़ाएंगे तो भूकंप में भी इसका असर पड़ेगा कि कहाँ से क्या कहते हैं वो तरंगे मुड़ जाती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को आप समझना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा, भूगोल को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अभी तो ये बेसिक्स हैं, चैप्टर से कोई लिंकअप नहीं है, अभी तो पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, झरने कुछ भी नहीं आ रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ें बेसिक्स हैं, जो आपके पढ़ने में मदद मिलेंगी वो जानिए। जैसे दो तीन सालों से क्वेश्चंस आ गया था कि क्या कहते हैं जीवों की उत्पत्ति के आधार पर जो ये वर्गीकरण किया गया उससे क्वेश्चन आता है, मतलब पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उससे क्वेश्चन आता है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, तो यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो अब लगातार दो तीन सालों से ट्रेंड बनता चला गया, तो इसको पढ़ने का जो ट्रेंड होगा हमारा इस तरह का होगा, इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एरा, ठीक है, देखना, एरा, इपोक और पीरियड, ठीक है। जो अभी एरा चल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं अभी नवयुग चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, न्यू जोइक चल रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ने का तरीका, यहाँ तो हम बाद में आएंगे क्योंकि यहाँ तो हम मानवों की उत्पत्ति हो गई नियोजित काल में, लेकिन अगर हम इसको नीचे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन लिख देते हैं ऊपर से। नियोजोइक, इसके पहले क्या था, नियोजोइक के पहले सीनोजोइक था, उसके पहले क्या था, उसके पहले मेसोजोइक था, ठीक है। नियोजोइक, सीनोजोइक, उसके पहले मेसोजोइक था, फिर उसके पहले था पैलियोजोइक, ठीक है, पालियो
जोइक, इसके पहले था प्री पैलियोजोइक, मतलब पैलियोजोइक के पहले, ठीक है। कहीं कहीं प्री पैलियोजोइक में लगा, कहीं आपको इस तरह की दो चीजें मिलेंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रोटियोजोइक और आर्कियोजोइक, ठीक है। क्या मिलेगा? प्रोटियोजोइक और आर्कियोजोइक। ये अभी के नहीं थे, ये 1400 मिलियन ईयर पहले की बात चल रही है, अभी की बात नहीं, 1400 से 1900 मिलियन ईयर पहले की बात चल रही है, अभी की नहीं चल रही है। और जो ये इपोक होता है, ठीक है, शुरुआत हमारी यहां से होगी। बाकी प्री पैलियोजोइक का मतलब पैलियोजोइक के पहले क्या था, ये आपको जानना पड़ेगा। तो हमारा प्राइमरी ये हुआ, हम शुरुआत अपनी कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी द्वितीय युग हुआ, और ये टर्सरी हुआ, और ये क्या हुआ, क्वार्टरनरी हुआ, ठीक है। ये इस तरह की शुरुआत होगी। लेकिन अगर इसका खंडन करें तो, जैसे पैलियोजोइक का खंडन करेंगे तो ये 6 पार्ट में टूटेगा, मेसोजोइक 3 में जाएगा, सीनोजोइक 4 में जाएगा, और नियोजोइक 2 में जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जानो, फिर यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। अगर पैलियोजोइक के पीरियड की बात करें तो ये कितने पार्ट में जाएगा, 6 में जाएगा, ठीक है। फिर उसी क्रम में हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जो नीचे आएगा उसको ऑर्डर क्रम में ऊपर की तरफ लेके हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर की क्रम लेके बढ़ेंगे, मतलब हम ऊपर से ही लिख दे रहे हैं कि पहला क्या आएगा, पहला जो आएगा इसका कैम्ब्रियन आएगा, फिर आर्डोविसियन आएगा, इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम इसके बेस पे जाएंगे, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए, कैम्ब्रियन आएगा, ठीक, कैम्ब्रियन हो गया, आर्डोविसियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया, डिवोनियन हो गया, नोट करते चलिए, सिल्यूरियन हो गया, ठीक, सिल्यूरियन हो गया, डिवोनियन हो गया, आपका कार्बोनिफेरस हो गया, उसके बाद परमियन हो गया, कार्बोनिफेरस और परमियन हो गया। सीनोजोइक, मेसोजोइक में आओगे, मेसोजोइक में कितने पार्ट्स हो रहे हैं, आपको बताया 3 पार्ट्स हो रहे हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और किसमें आओगे आप, सीनोजोइक में आओगे, 4 पार्ट्स में टूट रहा है सीनोजोइक। सीनोजोइक के चारों पार्ट्स का नाम लिख लीजिए। सीनोजोइक में पहला है ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ठीक है, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और पायलोसीन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले में आओगे तो लास्ट वाले में नियोजोइक, नियोजोइक में एक प्लिस्टोसीन है और दूसरा होलियोसीन है, ठीक है, दो है, प्लिस्टोसीन और होलियो या होलियो हेलियोसीन, ठीक है। अभी इसको फिर से बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ मैंने बताया कि एरा क्या होता है, इपोक क्या होता है और पीरियड क्या होता है। कभी कभी आपसे एरा के बारे में पूछेगा, कभी कभी अगर कोई घटना अगर इसका पीरियड में हुआ है तो पीरियड ना देके आपको एरा दे देगा, वो आपको समझना पड़ेगा। अब चीज़ें समझ में कैसे आएगी, अब इसको मिटाते हैं, जब आगे टॉपिक पे चलते हैं तो फिर वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। देखिए हमने क्या बताया कि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे नियोजोइक से तो हमारी कहानी नहीं बनेगी। अगर नियोजोइक से हम चीज़ों को शुरू करेंगे तो कहानी नहीं बनेगी, इसलिए कि पहले तो पृथ्वी पर जीव थे ही नहीं, पृथ्वी भी यद्यपि पता ही नहीं थी कैसी है, कहाँ है पृथ्वी पर, पहले कौन से जीव है, इसलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम पैलियोजोइक के पहले शुरू करेंगे। पैलियोजोइक के पहले जानने के पहले क्या जानिए, उसके पहले क्या था, प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक में हमने दो खंडन किया था, पहला प्रोटियोजोइक और दूसरा आर्कियोजोइक, ठीक है। तो आर्कियोजोइक उसके पहले था, तो आर्कियोजोइक में क्या हुआ था पहले जान लीजिए, ये हमारा पैलियोजोइक है जहाँ से हमें शुरू करना है, ठीक है। पैलियोजोइक के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम मानव की उत्पत्ति की तरफ आएंगे, जीवों की उत्पत्ति के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मानव की उत्पत्ति की तरफ आएंगे। और हमें ध्यान देना है कि इसके पहले क्या था, इसके पहले हमने दो चीज़ें बताई आपको, पहला बताया आर्कियोजोइक और दूसरा क्या बताया हमको, पहला आर्कियोजोइक और दूसरा प्रोटियोजोइक, ठीक है, प्रोटियोजोइक। किताबों में कभी कभी ये ना देख के सिर्फ प्री पैलियोजोइक लिखा रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए पहले समझ लीजिए, आर्कियोजोइक में हुआ क्या था कि इस युग में जीवों के स्पष्ट जीवाश्म नहीं मिले थे,
पहला कि आर्कियोजोइक में क्या हुआ था, जीवों के स्पष्ट जीवाश्म नहीं मिले थे, मतलब पता ही नहीं था कि जीवाश्म हैं, जीव की उत्पत्ति हुई है, कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन क्या हुआ था, कोयले की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया गया कि जीवों का उदय हो गया था। और जीव किस फॉर्म में थे, जीव मोनेरा के फॉर्म में थे, प्रतिष्ठा के फॉर्म में थे, मतलब कवक के रूप में थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आर्कियोजोइक में कुछ साल पहले आए, मतलब प्रोटियोजोइक में, आर्कियोजोइक के बाद जैसे हम प्रोटियोजोइक में एंट्री मारे, तो उसमें क्या हुआ, पृथ्वी की पहली निर्माणकारी घटना घट गई। जब पृथ्वी की पहली निर्माणकारी घटना प्रोटियोजोइक काल में घटी तो हुआ क्या, पूर्व कैम्ब्रियन पर्वत निर्माणकारी घटना इसको बोलते हैं, पूर्व कैम्ब्रियन पर्वत है ना, इसी काल का है, पूर्व कैम्ब्रियन पर्वत निर्माणकारी घटना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पर्वत बने थे, जब ये घटना घटी तो प्राचीनतम पहाड़ों की उत्पत्ति हुई। सबसे पुराने पहाड़ कौन से आए, कनाडा का लेब्राडोर पर्वत बना, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील पर्वत बना, दक्षिण अफ्रीका का पर्वत बना, ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों का निर्माण हुआ, अपने भारत के पश्चिमी घाट के पर्वत बने, विंध्याचल के पर्वत बने, तो इन सारे पर्वतों का क्या हुआ, उदय हुआ। और इस युग के महासागरों में क्या पाया गया, हमने बताया कि मोनेरा पाया गया, कवक पाया गया, और प्रोटोजोआ समुद्री स्पंज पाए गए। तो मतलब कहा गया पैलियोजोइक के पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, स्पंज वगैरह पाए गए, मतलब जीवों की उत्पत्ति के की का अनुमान हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन कोयले के उत्पत्ति से यह अनुमान लगाया गया कि जीव पाए गए थे। जीव पाए गए तो किस फॉर्म में पाए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब चीज़ों में पाए गए, ठीक है। अब इतना आपको समझा दिया मैंने, प्री पैलियोजोइक को आपको मैंने समझा दिया, अब हम पैलियोजोइक पे आते हैं, ठीक है। अब पैलियोजोइक पे आते हैं और पैलियोजोइक के जो पीरियड्स हैं उस पे हम चलते हैं। जैसे पैलियोजोइक में हमारा पहला क्या था, पैलियोजोइक में हमने 6 बताए थे, ठीक है। 6 में सबसे पहले याद रखना कि पैलियोजोइक पूरे काल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये चीज ध्यान से समझते चलिएगा, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स मतलब अकशेरुकी जीवों का युग बोलते हैं इसको। इस काल में मतलब क्या आए होंगे, अकशेरुकी जीव आए होंगे, ठीक है। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब पैलियोजोइक पे पहले पीरियड पे आते हैं। पहला पीरियड क्या था हमारा, इसका कैम्ब्रियन था, ध्यान से समझते चलिएगा। पहले इसीलिए हमने सारी चीजें आपको बता दिया, पहला कैम्ब्रियन था। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, समुद्रों में अकशेरुकी प्राणी पाए गए, याद रखना। जैसे कि अकशेरुकी प्राणी पाया गया, उसके साथ साथ क्या पाया गया, आदि झींगा पाया गया। आदि शब्द का मतलब समझ रहे हो कि अभी के झींगा नहीं पाए गए, पहले के झींगा जो बड़े बड़े होते थे वो पाए गए, आदि झींगा पाया गया। इसी काल में 50 सेंटीमीटर से बड़े आर्थ्रोपोडा पाए गए, इस काल के सबसे बड़ी जीव थे, सोचिए 50 सेंटीमीटर से बड़े आर्थ्रोपोडा पाए गए। अब के आर्थ्रोपोडा कितने होते हैं, 4-5 सेंटीमीटर के होते हैं, 3-4 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। ये इस काल के सबसे बड़े जीव थे। इसके बाद कैम्ब्रियन के बाद इसी में आओगे, दूसरा इसका क्या है, आर्डोविशियन, समझते चलिएगा। इसका दूसरा है आर्डोविशियन। आर्डोविशियन काल में क्या हुआ था कि महासागरों में क्या पाया गया, मोलस्का पाया गया। उसको महासागर नहीं बोल सकते हम लोग, उसको आदि महासागर बोलते हैं। आदि महासागरों में मतलब ये पहले आपके महासागर नहीं थे, ये पहले के महासागर थे, क्योंकि पहली पर्वत निर्माणकारी घटना घटी थी। हमने पृथ्वी पहला क्लास जब लिया था भूगोल का, हमने बताया था ना किस तरह से विखंडन हुआ था, क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड का ना, अंगारा लैंड का, उसके बाद पैंजिया पैंथलासा का, ये चीज याद रखना, वहां से हम इसको लिंक कर रहे हैं क्योंकि क्लासिक क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। तो इस काल में क्या पाया गया, पहली बार मोलस्का पाए गए, कहां पे, आदि महासागरों पर पहली बार मोलस्का पाए गए, ठीक है। उसके बाद जिनकी लंबाई 10 मीटर से अधिक होती थी, मतलब 10 मीटर से बड़ी होती थी, और 10 मीटर के मोलस्का का मतलब जान रहे हो, ये दैत्याकार होते थे, मतलब 10 मीटर का मोलस्का मतलब बड़ा बड़ा, ठीक है। तो इसका इसीलिए इसको दैत्याकार मोलस्का बोलते थे। और इसी काल में आर्डोविशियन काल में ही पहली बार बिच्छू पाए गए, ठीक है। और मछली के पूर्वज का उदय भी इसी काल में हुआ, ठीक है। मछली के पूर्वज का उदय भी पहली बार इसी काल में हुआ, ठीक है। अब इसका दो कंप्लीट हो गया ना, आपको कैम्ब्रियन बता दिया और आर्डो
VCN बता दिया। बस इन चीज़ों को धीरे धीरे लिंक करते चलना आप कि कैसे कैसे चीज़ें अपने आप घटती जा रही हैं। थर्ड पे आओगे, थर्ड है इसका सिल्यूरियन। ठीक है, सिल्यूरियन में क्या घटना घटी, सिल्यूरियन काल आते आते ही क्या हो गया कि दूसरी पर्वत निर्माणकारी घटना घट गई। दूसरी पर्वत निर्माणकारी घटना घट गई तो इसको हमने क्या बोला है, कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना, कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना बोला इसको हमने। ठीक है, मिटाते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि नीचे लिखने पर राइटिंग थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक, हमने बताया आपको सिल्यूरियन बता रहे हैं थर्ड। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना लिखा दिया। तो इसमें कौन कौन से पर्वत आए, इसमें यूएसए का अप्लेसियन पर्वत बना, इसी में यूरोप के क्या कहते हैं कुछ पर्वत बने, स्कॉटलैंड आदि पर्वत बने। ठीक है, और इस काल में, किस काल में, सिल्यूरियन काल में पहली बार आदि महाद्वीपों पर फर्न पाए गए। मतलब जो महाद्वीप पहले थे, आज की तरह नहीं, जो पहले उस समय के महाद्वीप थे उस पर क्या गए पाए गए, फर्न पाए गए, फर्न के जंगल पाए गए। और जीव जंतुओं में क्या पाया गया, बिच्छू पाया गया, मकड़ी पाया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि बिच्छू पाया गया इस काल में और मकड़ी पाया गया। देखना, पहले मोनेरा प्रोटिस्टा से धीरे धीरे मछलियों के जीव आए, फिर बिच्छू पाया गया, फिर क्या पाया गया, मकड़ी पाया गया इसी काल में। फिर आगे बढ़ोगे, इसी काल में कुछ जीवों में हवा में सांस लेने की क्षमता पाई गई। ठीक है, अब देखिएगा, अगर इस काल में जीवों में हवा में सांस लेने की क्षमता पाई जाएगी तो क्या करेंगे जीव, पानी से स्थल पर आ जाएंगे। ठीक है, पानी से चल के स्थल में आ जाएंगे। ठीक, इस चीज़ को याद रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद सिलूरियन के बाद कौन सा काल आता है, डेवोनियन आता है, डेवोनियन काल आता है, डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन में क्या हुआ, इसको बोलते हैं एज ऑफ फिश, ये चीज़ याद रखना ताकि आपको तुरंत पता रहे। अगर एग्जाम में पूछता है कि मछली किस युग में आई थी तो आप आंख बंद करके बोलोगे डेमोनियन। अगर डेमोनियन नहीं दिया है तो इसका जो पहला है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के 6 सेक्शन है, आप पैलियोजोइक के जाके टिक करोगे। ठीक है, अगर आपसे इपोक पूछता है या फिर एरा पूछता है तो एरा अगर पूछेगा तो पैलियोजोइक देगा, अगर बाकी पीरियड से पूछेगा तो इनके नाम देगा 4-5, इसमें से आपको बताना रहेगा। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो इसको क्या बोला गया, एज ऑफ फिश बोला गया। देखिए, डेमोनियन काल में फर्न के जंगल पाए गए, अनावृत बीजों का पहली बार उदय हुआ इस काल में, और सबसे बड़ी चीजें क्या थी कि सार्क की, सार्क मछली डेवोनियन काल में ही पाई गई। ठीक है, सार्क का उदय पता चला कि इसी काल में हुआ था। और पृथ्वी पर पहली बार क्या पाया गया इस काल में, पृथ्वी पर पहली बार मोलस्का पाए गए थे इसी काल में, और पृथ्वी पर पहली बार उभयचर इसी डेवोनियन काल में ही पाए गए। ये याद करना, पृथ्वी पर पहली बार उभयचर डेवोनियन काल में ही पाए गए। इसके बाद इसी में कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 हो गया ना। इसके बाद फिर इसका चौथा आता है पोर्शन क्या, कार्बोनिफेरस। समझ लीजिए, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, महाद्वीपों पर घने वन पाए गए थे और दलदल पाया गया था। ये चीज़ ध्यान देना, ये आपको आज भी आप लोग पढ़ते होंगे, अभी हम लिंक कर दे रहे हैं आज की घटना से। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, महाद्वीपों पर दो चीज़ें पाए गए, घने जंगल इसमें पाए जाते थे और क्या पाए जाते थे, दलदल। लेकिन इसी काल में क्या हुआ कि विध्वंसकारी घटना हुई, विध्वंसकारी घटना होने से क्या हुआ, ये पेड़ पौधे दलदल घने जंगल क्या हुआ, सब दब गए। और दब जाने से हजारों वर्षों पाल, आपने सुना होगा कि हजारों साल अगर पेड़ पौधे दबे रहते हैं तो क्या बनता है, इसमें जीवाश्म की उत्पत्ति होती है, पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है जीवाश्मों के दबे से, जिसका यूटिलाइज हम आज लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो यूटिलाइज आज हम लोग पेट्रोलियम निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से, कोयला निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से, वो कार्बोनिफेरस युग की घटना मानी जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, कार्बोनिफेरस काल में ही पहली बार उड़ने वाली ममेरिया पाई गई, जिसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। और पहली बार इसी काल में रेप्टाइल्स पाए गए, इसी काल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई पाई गई और इसी काल में पहली बार रेप्टाइल्स पाए गए। ठीक, आ गया। अब इसका लास्ट पोर्शन आता है पैलियोजोइक का, क्या है पैलियोजोइक का लास्ट पोर्शन, परमियन आता है। परमियन पीरियड में क्या था, पृथ्वी पर तीसरी पर्वत निर्माणकारी घटना हो गई। सोचो, एक ही काल में तीन पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई, एक प्री पैलियोजोइक में हुई और एक सिल्यूरियन में हुई और एक किस में होने जा रही, इसके लास्ट पोर्शन में किस में होने जा रही है, परमियन काल में, परमियन पीरियड में। ठीक है, परमियन में तीसरी,
पर्वत निर्माणकारी घटना हुई जिसको नाम क्या दिया गया? देखिए तीसरी पर्वत निर्माणकारी घटना में कौन कौन से पर्वत बने ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जर्मनी का हर्ट्ज पर्वत बना था, याद रखना, जर्मनी का हर्ट्ज पर्वत, अवरोधी पर्वत खासकर इसी काल में बने। स्पेन का मैसजेटा पर्वत आया जो स्पेन का पर्वत है, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसी काल में बना। फ्रांस का वाजिस पर्वत इसी काल में बना, ठीक है। और इस काल में धीरे धीरे जो उभयचर थे वो विलुप्त होते चले गए और सरीसृपों का उदय होना प्रारंभ हो गया। इस काल के लास्ट में आते आते सरीसृपों का उदय होना प्रारंभ हो गया, ठीक, ये चीज याद रखना। और क्या, इस काल में कछुआ पाए गए और वर्तमान तरीके की मछली पाई गई। जैसे पहली मछली जो पूर्वज थे मछलियों के पहले ही आ गया था, और लेकिन इस काल में वर्तमान टाइप वाली मछली का उदय हुआ, ठीक है। ये था आपका पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में आपके सारे के सारे 6 पीरियड्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब दूसरा, पैलियोजोइक के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखो, हमने पैलियोजोइक के पहले का बता दिया आपको, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक खत्म हो गया। अब दूसरा आपका आ गया मेसोजोइक, ठीक है। मेसोजोइक में हमने कितने पोर्शन बताए थे? 3 बताए थे। कौन सा? ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरैसिक सुनने से कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी, अभी मन में रखिएगा। इसको बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब इसमें क्या कौन कौन से पोर्शन? 3 बता दें, तीनों को मेंशन कर दे रहे हैं, ट्राइएसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। ट्रायसिक काल में क्या होता है? ट्रायसिक काल में हुआ क्या था? इस काल पे महाद्वीपों पर मछली जैसे डायनासोर पाए गए, ठीक है, और मछली जैसे डायनासोर पाए गए, लेकिन क्या कहते हैं, उस पे सागरों में भी मछली जैसे डायनासोर पाए गए, जिसको क्या बोलते थे इस काल में? इक्थियोसॉर बोलते थे। और नभ में भी पाए गए, मतलब 3 तरह के डायनासोर पाए गए, जमीन पे रहने वाले, पानी में रहने वाले और कैसे उड़ने वाले, तीनों तरह के पाए गए। जो नभ में उड़ता था, जो उड़ता था उस डायनासोर को टीरोसॉर बोलते थे, याद रख लेना, टीरोसॉर, ठीक है। और इसके आगे बढ़ेंगे जुरैसिक। जुरैसिक में क्या हुआ? इस काल में तो सभी जगह पे सरीसृप फैल गए थे बहुत भयंकर तरीके से, मतलब वही तीनों चीजें, जल, स्थल और नफ, वही नाम याद रख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इस काल में सरीसृप फैल गए थे। और जो प्रथम पक्षी होती है, जिस पक्षी को बोलते हैं प्रथम पक्षी विश्व की, देश की जो भी होगी, उसका उदय इसी काल में हुआ, ठीक है। और वो थोड़ा सा सरीसृप के आकार की थी। प्रथम पक्षी का उदय इसी काल में हुआ था, जो थोड़ा सा सरीसृप के क्या थी? सरीसृप के आकार की थी, जिसका नाम था आर्कियोटोरिस। नाम स्पष्ट नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका नाम आर्कियोटेरिस ही था, ठीक है। जो प्रथम पक्षी का नाम था, नाम याद कर लेना, आर्कियोटेरिस था, ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद जुरैसिक के बाद क्रिटेशियस पे आएंगे हम। क्रिटेशियस में क्या हुआ था? क्रिटेशियस में आखिरी पर्वत निर्माणकारी घटना हुई। ये कालक्रम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटेशियस काल में कैसरी चौथी पर्वत निर्माणकारी घटना घट रही है, ठीक। चौथी पर्वत निर्माणकारी जब घटना घटी तो उसमें क्या हुआ? ये घटना जब शुरू हुई तो इसका अंत अभी इस काल में नहीं हुआ, मेसोजोइक के बाद सीनोजोइक काल में इस घटना का अंत हुआ जाके, किसमें? एप्लेसियन, अल्पाइन पर्वत जिसको बोलते हैं, इसी काल में उसका उदय हुआ था। तो इसका सीनोजोइक में एंड होता है। तो इस काल में क्या हुआ, इस घटना को पहला नंबर तो अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना बोलते हैं, ये शब्द नोट कर लेना। और इसी काल में भारत का हिमालय पर्वत आया, यूरोप का क्या आया? आल्प्स पर्वत आया, एंडीज पर्वत आए, एटलस पर्वत आए। इन सारे पर्वत जो इंपॉर्टेंट हैं, उसका काल चौथी पर्वत निर्माणकारी घटना क्रिटेशियस युग में हुआ था, या फिर मेसोजोइक एरा में हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था, ये चीज़ याद रखना। और इस काल में क्या हुआ? इसी काल में दरार से लावा निकला, इसी काल में दरारों से लावा निकला और दक्षिण भारत के दक्कन पठार का निर्माण हुआ, ये चीज़ भी याद रख लेना। और हो सकता है कि लावा निकलने से, या फिर क्या कहते हैं, इस तरह की घटनाएं घटने से धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी पर डायनासोर विलुप्त हो गए। हालांकि डायनासोर विलुप्त होने का कोई कारण नहीं है, तो यहां लिख सकते हो कि पृथ्वी से डायनासोर क्या हो गए? विलुप्त होना शुरू हो गए, या फिर विलुप्त हो गए, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया? मेसोजोइक हमारा कंप्लीट हो गया। मेसोजोइक के बाद क्या है?
पैलियोजोइक, मेसोजोइक, इसके बाद फिर है सीनोजोइक। ठीक, सीनोजोइक में कितने पीरियड है? सीनोजोइक में फोर्थ पीरियड है, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, पाइलोसीन। इसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। ये जो हम लिखाते जा रहे हैं ये की पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना। इसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, मतलब अस्तनियों का युग या स्तनपायी जीवों का युग। ठीक है, अस्तनियों का युग। ठीक, अब इसमें चार पोर्शंस हमने बताए, ईओसीन, ओलिगोसीन, लिख लो ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन या फिर पाइलोसीन लिखा रहता है। देखो ईओसीन में क्या हुआ था, याद रखना, ईओसीन में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है और ईओसीन काल में ही ऊंट पाया जाता है, घोड़े पाए जाते हैं, सुअर पाए जाते हैं। ठीक है, इन सब जीवों का उदय होता है। पहले ये सब थे? पहले ये सब नहीं थे ना, पहले मुनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक थे। धीरे धीरे तो जीवों का विकास होता गया, तो ऊंट वगैरह पहली बार किस में पाया गया? घोड़ा, सुअर, ये सारी चीजें किस में पाया गया? सीनोजोइक एरा में पाया गया, इसके ईओसीन पीरियड में पाया गया, ये चीज याद रखना। इसी काल में चूहा पाया गया, इसी काल में बंदर भी पाया गया, ये चीज भी नोट कर सकते हो। और इसी काल में सबसे इंपॉर्टेंट ने पूछा गया है, इसी काल में पहली बार व्हेल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ईओसीन काल में ही पहली बार व्हेल की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो क्या आता है? ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में क्या होता है? वर्तमान अस्तनियों का उदय होता है, जैसे कि बंदर जो था, बंदर से मनुष्य का उदय हुआ है। लेकिन इस काल में क्या होता है? बंदर का उदय कपि में हो जाता है, बंदर का परिवर्तन कपि में हुआ होता है। जो घोड़ा हुआ था, घोड़ा का क्या हो गया? घोड़ा का परिवर्तन हो जाता है मेसोहिप्पस में, जो आधुनिक घोड़े के तरीके का थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो इस तरह का परिवर्तन यहाँ की क्लाइमेट के कारण, घटना घटने के कारण, धीरे धीरे पानी के मिलने के कारण, या क्या कहते हैं, धीरे धीरे कुछ जीवों के वातानुकूलन के कारण इस तरह की घटनाएं घटना शुरू होती है। इसी काल में कछुआ, मगरमच्छ, ये सब अपने आधुनिक आकार में आ गए। पहले ये सब अपने आकार में नहीं थे, पहले या तो छोटे थे या तो ये बड़े थे। लेकिन इस काल में, ओलिगोसीन काल में या सीनोजोइक एरा में, ये सब अपने पहले के अभी वाले रूप में आ गए थे। फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे मायोसीन काल में। मायोसीन में काल क्या होता है? मायोसीन काल में लघु हिमालय की उत्पत्ति होती है आपके, और इसमें कपि जो है, जो ये मानव बंदर कपि का रूप लेता है, और ये कपि धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है? आधुनिक कपि के रूप में आ जाता है। जो आधुनिक बंदर था, धीरे धीरे इस टाइप का नजर आने लगता है, या मानव जैसे कपि के रूप में आ जाता है। फिर आगे आओगे पाइलोसीन में, यहाँ लघु हिमालय की उत्पत्ति हो रही है और यहाँ पे शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। अब हम आपको जब पढ़ाएंगे कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति सीनोजोइक काल में हुई है या फिर पाइलोसीन काल में हुई है, लघु हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल में हुई है, तब आपके दिमाग में जाएगा कि पर्वत निर्माणकारी घटना कैसे कैसे शुरू हुई थी, क्यों इस चीज का हम नाम लेते हैं। ये हमारा उद्देश्य था इसको बताने के लिए कि इस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। ठीक है, अब समझिए, पाइलोसीन काल में शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति हुई और मानव जैसे कपि का उदय हो गया। मानव जैसे कपि का उदय हो गया इस काल में। ठीक, ये काल क्या हो गया? द एंड हो गया। इसके बाद नियोजोइक। ठीक है, इसके बाद एक पीरियड बचता है आपका, एक एरा बचता है, नियोजोइक। ठीक है, नियोजोइक में देखिए क्या करते हैं, नियोजोइक को समझ लीजिए। इसमें दो एरा हमने बताया था और दोनों को कॉम्बाइन करके समझ लीजिए। नियोजोइक में है क्या कि पहले, इसको बोलते हैं सबसे पहले एज ऑफ मैन, ये चीज याद रखना कि मानव की उत्पत्ति नियोजोइक एरा काल में हो जाती है। हालांकि आधुनिक मानव की उत्पत्ति नहीं होती है, जस्ट ये काल एंड होने के बाद आपको मानव की उत्पत्ति के बारे में हम बताएंगे, मानव का रूप पहले कैसे था, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे हुआ। देखिए, इस काल की घटना में क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के बाद दक्षिण भारत के पठार के बीच में एक बड़ी खाई का निर्माण हो जाता है। कहाँ तक? पाकिस्तान से लेकर असम के बीच से दक्षिण भारत के बीच में। ठीक है, ये पोर्शन जो रहता है, ये पोर्शन रहता है, तो यहाँ पे बड़ी सी पाकिस्तान से लेके असम तक के बीच में यहाँ पे बड़ी खाई का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो हिमालय से आने वाली नदियाँ होती हैं, इसी काल में क्या करती हैं, इसको पाट देती हैं। इसीलिए इसको पाट देती है, फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान बोलने लगते हैं। इस चीज़ को याद रखना, और वर्तमान गंगा, यमुना, सिंध का मैदान
यही है। और इसी काल में पहली बार पृथ्वी पर क्या हुआ, चार हिमयुग आए थे। किस काल में? नियोसीन, नियोजोइक,